हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? देखिए दोस्तों, कल हमारी छंद पर बात चल रही थी और इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम अब छंद, हमने कल मात्रिक वर्णिक बातें की थी, हम पढ़ते हैं मात्रिक छंद, जिसको हम जातीय छंद भी कहते हैं। और इसे सीधी सी परिभाषा है, जिस छंद में गणना, जिस छंद की गणना मात्राओं के आधार पर की जाती हो उसे आपका मात्रिक छंद कहा जाता है। भाई सीधी सी बात है, जिस छंद की गणना मात्राओं आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे हम बात करें मात्रिक छंद के अंतर्गत आर्या, दोहा और सोरठा, इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा दूसरा जो है वह है वर्णिक छंद। तो सीधी बात है, जिस छंद की गणना वर्णों के आधार पर की जाती हो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। भाई जिसकी गणना वर्णों के आधार पर की जाती है दोस्तों, उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो छंद आते वो आते हैं सीकरणी, एक सीकरणी छंद होता है वो आता है, इंद्रव्रजा, शार्दुल, एक शार्दुल होता है, और एक आता है सवैया। इसी के अंतर्गत ये छंदों का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सम छंद। इसकी परिभाषा होती है, जिस छंद में चारों चरणों में समान लक्षण हो, जिस छंद के चारों चरणों में समान लक्षण हो, वह सम छंद कहलाता है। कौन सा छंद कहते हैं भाई? उसे सम छंद कहलाता है। इसमें आता है द्रुत विलंबित, ठीक है ना। एक आपका आता है सवैया, आता है। इसी के साथ ही हरिगीतिका भी इसी के अंतर्गत आता है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भाई सीधी सी बात है, जिस छंद की गणना मात्राओं आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है ना। और जिस छंद की गणना वर्णों के आधार पर की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और सम छंद जिस छंद के चारों चरणों में समान लक्षण हो उसे, जिसमें द्रुत विलंबित, सवैया और हरिगीतिका छंद आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा छंद है वो है अर्ध सम छंद। नेक्स्ट जो है वो क्या है भाई? अर्ध सम छंद है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट आपका अर्ध सम छंद, अर्ध सम छंद। तो देखिएगा, जिस छंद में सम और विषम का मेल हो, कुछ में सम हो कुछ में विषम हो, जिस छंद में आधे चरण सम व आधे चरण विषम हो तो उसे अर्ध सम छंद कहा जाता है। तो उसे अर्ध सम छंद कहा जाता है। और इसमें जो आते हैं पुष्पित, वियोगिनी, दोहा, सोरठा, इसमें आता है वियोगिनी, दोहा और सोरठा, इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे है आपका विषम छंद। नेक्स्ट है विषम छंद। देखिए नेक्स्ट जो आपका है वो विषम छंद है। जिस छंद में सभी चरण विषम होते हों, या जिस छंद में सभी चरणों में संख्या की विषमता पाई जाती हो उसे विषम छंद कहा जाता है। और जैसे इसके अंतर्गत जो छंद आते हैं वो है छपैये, कुंडलियां, इसमें जो आते हैं वो आते हैं छपैये और कुंडलियां, ठीक है भाई। तो देखिए दो चीज और आपको याद रखनी, अर्ध सम और एक होता है विषम। तो नाम से समझाओ, जहां विषमता हो वहां विषम होंगे, और जहां पर सम का हो, दोनों ही चरणों में समान हो, वहां पर सम छंद होते हैं। लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे भाई, तो यह हुआ चरण सम। आधे चरण, ये मेरी अंगुली जहां जा रही है यहां शब्द लिखा है आधे चरण, ठीक है ना। यही तो नहीं दिख रहा, बाकी दिख रहा है ना, तो वहां विषमता पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दो चीज मैंने आपको कल बताई थी, एक तो यति, गति, चरण, मात्राएं। ये छंद पढ़ने से पहले ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि यति किसे कहते हैं और गति किसे कहते हैं। तो देखिएगा, पहला नाम डालिए आप यति, यहां से दिख रहा है भाई यति, ठीक है भाई, दिख रहा है। यति का है किसी भी छंद का वाचन करते समय, यति का मतलब होता है किसी भी छंद का वाचन करते समय, जहां विश्राम लिया जाता हो, जहां दिख तो रहा ना, अरे लिया, जहां इससे पहले कौन सा गण जहां विश्राम लिया जाता हो, जहां विश्राम लिया जाता हो उसे यति कहते हैं। ठीक है ना भाई, अब दिख रहा है ना। आगे करते हैं गति। नेक्स्ट शब्द लिखते हैं गति। और गति में होता है किसी भी छंद का वाचन करते समय किसी भी छंद का वाचन करते समय आरोह अवरोह, आरोह अवरोह को गति कहते हैं, को गति कहते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको एग्जाम की दृष्टि से आरोह अवरोह को गति कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है पाद या चरण। पाद या चरण, तो इसकी परिभाषा होती है छंद, प्रत्येक छंद का चतुर्थ भाग, प्रत्येक छंद का चतुर्थ भाग पाद या चरण कहलाता है, पाद या चरण कहलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे एक शब्द होता है दल। क्या होता है भाई? दल होता है। चौथा आपका जो दल है वो दल होता है। और किसी भी छंद को लिखते समय इसकी अच्छी परिभाषा है, किसी भी छंद को लिखते समय, किसी भी छंद को लिखते समय जब एक ही पंक्ति में, जब एक ही पंक्ति में एक से अधिक चरण लिख दिए जाते हों, लिख दिए जाते हों तो उसे दल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? दल। पांचवा है आपका मात्रा। पांचवा क्या है भाई? मात्रा। इसकी परिभाषा होती है किसी भी स्वर में, किसी भी स्वर में लगने वाले समय को, किसी भी स्वर में, किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। देखो ये पांच चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो आपका है गति है आपकी, एक तो भाई, तो गति का मतलब क्या है भाई? सीधी सी बात है, किसी भी छंद का वाचन करते समय जहां विश्राम लिया जाता हो उसे गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? गति। जहां अपन ठहरते हैं, कोई भी पद पढ़ रहे हो और वहां हम रुक रहे हो तो उसे हम हिंदी में, जो छंद आपका टॉपिक है उसको हम, उस शब्द को हम ये कह सकते हैं, उस ठहराव को हम कह सकते हैं कि वो यति होता है। दूसरा है गति, तो किसी भी छंद का वाचन करते समय आरोह अवरोह को गति कहते हैं। आरोह का मतलब उतार चढ़ाव, उस स्थिति को हम गति कहते हैं। गति का मतलब से समझ जाइए ना आप भाई, हम किसी चीज को बोल रहे हैं तो वहां पर उसका जो प्रयोग होगा वो गति से होगा। आगे आपके पाद या चरण, तो प्रत्येक छंद का चतुर्थ भाग पाद या चरण कहलाता है। कोई सा भी छंद हो उसका जो चरण है वो पाद या पद कहलाता है। ठीक है ना। और अगर हम दल की बात करें तो दल में यह है किसी भी छंद को हम लिखते समय जब एक ही पंक्ति में, जब किसी भी छंद को लिखते समय एक ही पंक्ति में हम एक से अधिक चरण लिख देते हैं तो उसे दल कहा जाता है। अब मात्रा का मतलब है किसी भी स्वर के उच्चारण में कोई भी स्वर हम उच्चारित कर रहे हैं और उस उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसको हम मात्रा की संख्या दी गई है। अब देखो दोस्तों, इसमें मात्रा दो प्रकार से होती है, एक इसमें हस्व होती है और एक इसमें दीर्घ होती है। दो मात्रा पे अपन बात करते हैं तो हमेशा ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब इसमें दो मात्राएं होती है दोस्तों, एक का नाम दिया गया है हस्व जो छोटी होती है और दूसरी का है दीर्घ। देखिए मैं लिख के बताता हूं मैं आपको, जो आपके एग्जाम में बार बार ये आती है। अब इसकी मात्राओं में भी एक नाम लघु मात्रा, ठीक है ना, एक नाम जो दिया गया है वो आपकी लघु मात्रा से नाम दिया गया है और दूसरा जो नाम है, अब लघु मात्रा का जो प्रतीक होता है, लघु मात्रा का जो प्रतीक होता है वो खड़ी पाई होती है भाई ये, और इसकी संख्या एक होती है, ठीक है ना। एक होती है दीर्घ मात्रा, इसका जो प्रतीक है वो वक्र रेखा होता है, वक्र, और ये ऐसे होती है और इसकी जो संख्या है वो दो होती है। अब दो चीजें आपको याद रखना है हमेशा, जहां पर हस्व लघु होगा वो एक पाई से और वो होगा वो एस वाले आकार यानी खड़ी पाई अपन यूं कह सकते हैं इसको, है ना, ठीक है ना। और एक ये आपका है, तो ये लघु हो गई और ये आपकी दीर्घ हो गई। इसकी संख्या दो से मानते हैं और इसकी संख्या एक मानते हैं, ठीक है ना। इसको हमेशा एक में काउंट करते हैं और इसको जो है वो दो में काउंट किया जाता है। अब इसके कुछ नियम भी है, मात्रा संबंधी कुछ नियम होते हैं जिनको अपन पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको सुना देता हूं कि मात्रा सदैव वर्णों पर ही प्रयुक्त होती है, व्यंजन पर कभी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ स्वरों पर ही मात्रा लगाई जाती है या वर्णों पर ही होती है, उस पर व्यंजन पर कभी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। हस्व स्वरों में तीन चीज मानते हैं, देखो हस्व की पहचान कर लो, हस्व और दीर्घ, ये बता देता हूं कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में आपको कई तरह से इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो हस्व है वो मैं आपको बता देता हूं कि हस्व में ए, ई, उ, री और एक लिर है, ये संस्कृत से आया है, ये मानते हैं। और इसी के साथ जो आपका दीर्घ है, दीर्घ में आपका जो है वो बच गए जो सारे हो जाते हैं, आ, ई, उ, ये बड़ा वाला, री, ठीक है ना। इसी के साथ ए, ओ, आई, ए, आई, ओ और औ, ये हमेशा दीर्घ में, तो किसी में भी अगर ये मात्राएं हो तो हस्व और दीर्घ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कहीं पर हस्व का प्रयोग किया जाता है तो कहीं पर दीर्घ का प्रयोग किया जाता है। अब गण का नाम होता है जो जो यण, मण, तगण, जगण ये होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक होता है यगण, ठीक है भाई, एक होता है मगण, एक होता है आपका तगण, रगण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रगण, उसके साथ ही जगण, जगण में भगण, नगण, नगण के साथ ही सगण, ये तो रट लो, यगण, तगण, मगण, जगण, भगण। इसके साथ ही ये जो इनका स्वरूप होता है अपने ये कह सकते हैं, ये तो आपके हो गए हैं, गण का नाम हो गया है ना, और इनका जो स्वरूप है, स्वरूप में लिख देता हूं जो आपके एग्जाम में काम आएगा। इसका स्वरूप डबल ये होता है, इसका जो है मगण का ये होता है, तगण जो है, तगण का जो स्वरूप है वो ये होता है, ठीक है। इसका ये होता है रगण का, रगण के बाद में जगण का ये होता है और भगण का ये होता है और नगण का ये होता है और आपका सगण है उसका ये इसके स्वरूप हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है। ये बहुत बार आएंगी, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, मगण, नगण और सगण। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये चीजें आप हमेशा याद रखो। और आगे चलते हैं कि अब अपन महत्वपूर्ण छंदों की ओर आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण छंद हैं। तो देखिएगा, पहला लिखिएगा चौपाई छंद। अब अपन छंदों की ओर चलते हैं, चौपाई छंद पर बात करते हैं। अपन हमारा पहला जो छंद है, तो इसके कुछ लक्षण बता देता हूं मैं आपके, क्या क्या लक्षण है इसके। पहला, यह सम मात्रिक छंद है। यह मात्रिक सम छंद है, पहली बात इसकी ये खास बात है। दूसरी है, ये प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तीसरा, प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में जगण या तगण आना वर्जित है। जगण व तगण आना वर्जित है। ठीक है, चौथी बात याद रखिएगा, प्रत्येक यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। अब बातों को ध्यान से सुनिएगा। यह एक मात्रिक सम छंद है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है। यह मात्रिक सम छंद है, यह मात्रिक सम छंद है। दूसरी बात, इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है भाई? 16 मात्राएं होती है। दूसरी बात, यहां पर जो है प्रत्येक चरण के अंत में जगण व तगण आना वर्जित है, और यति के प्रत्येक चरण में, यति इसके प्रत्येक चरण के अंत में होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए तो इतना ही है ना। अपन जो महत्वपूर्ण छंद है उन पर बात करेंगे, तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इसको देख सके। धन्यवाद दोस्तों।